बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है। मैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूं। मैं मुख्तलिफ इशूज़ पर तमाम मुतालिका अथॉरिटीज़ को गाहे बगाहे खतूत लिखता हूं और कोशिश करता हूं कि उसकी आगाही नेशनल मीडिया को और सोशल मीडिया पर भी हम देते रहें लोगों को। मैं आज जिस इशू को ले कर एक वीडियो भी मैंने बनाई है जो मैं जारी करने जा रहा हूँ कि आज ईद से 25 दिन पहले भैंस कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग पे देखें, ये एक चौकी लगा दी गई है जिस पे रात को ये लगाई गई थी। 2000 रुपये मवेशी ये वसूल कर रहे थे, जिसकी डिटेल मैं मीडिया को जारी करने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जब रात को यहाँ के हमारे चेयरमैन हैं जावेद इकबाल काकू साहब ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बारगेनिंग करके उस रेट को 1500 रुपये कर दिया। तो मैं ये कहूँगा अगर ये किसी कानून के तहत लिया जा रहा है तो चौकी के लोग बारगेनिंग करके उसे कम कैसे कर सकते हैं। तो मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध से अपील करूँगा, डॉक्टर सुहेल राजपूत साहब और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब सैफुररहमान साहब और जितने भी जिम्मेदारान हैं आईजी सिंध, एडिशनल आईजी सिंध और दीगर जो भी अथॉरिटीज़ हैं। देखें, ये पुलिस की मिली भगत के बगैर भी नहीं हो सकता। अब ये जो चौकी लगाई गई है नाजायज़ है, ज्यादती है डेयरी फार्मर्स के साथ भी और जो मुल्क भर से सफ़र करते हुए थके हारे जो व्यापारी आते हैं उनसे ये टैक्स बदमाशी की बुनियाद पे पुलिस के साथ वसूली की जा रही है। तो ये सरासर नाजायज़ और ज्यादती है। मैं इस पे अपील करूंगा कि फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए इस चौकी को ख़त्म कराया जाए, ये भत्ता है और मुतालिका अथॉरिटीज़ को हरकत में आना चाहिए। आखिर को कब तक करप्शन होती रहेगी? और मेरी इतलात के मुताबिक पॉलिटिकल लीडरशिप की पुश्त पनाही की बुनियाद पे ये चौकी हमेशा से लगती है और पिछले 6-7 साल से या 5 साल से लगाई जा रही है और हमने हर साल खत लिखा है। तो इस पे कोई कार्रवाई ना हुई, इसका मकसद ये है कि पुश्त पनाही सियासी पुश्त पनाही की बुनियाद पे हो रहा है या कोई ब्यूरोक्रेट इन्हें सपोर्ट कर रहा है या कोई दीगर बड़ा अफसर सपोर्ट कर रहा है। तो मैं अपील करूँगा फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। जजाकल्ला।